Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम ने किसी विशेष संघर्ष का नाम लिए बिना कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस का भी जिक्र किया, सुनिए। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है।